मैम, ये पोषण पखवाड़ा जो है कोरोना वायरस के चलते स्थगित कर दिया गया है, तो क्या राजस्थान में भी स्थगित कर दिया गया है? 8 से 22 मार्च के तहत पोषण पखवाड़ा मनाया जाता है और हम लोगों ने कोरोना को ध्यान में रखते हुए इसको स्थगित किया है। आंगनवाड़ी सेंटर्स भी हमारे 31 मार्च तक सभी सेंटर्स बंद रहेंगे। हम चाहते हैं कि हम सब लोग मिल के कोरोना वायरस से, एक भयानक बीमारी जो महामारी के तौर के ऊपर इस देश के अंदर फैल रही है, उसको हम सब लोग मिल के उससे लड़ाई लड़ें और देश को, यहाँ के बच्चों को, प्रदेश के बच्चों को, आंगनवाड़ी सेंटर्स में आने वाले बच्चों को, महिलाओं को, सबको कोरोना से किस तरह से जागरूक रख पाएँ, इन सब चीज़ों के बारे में हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स बता भी रही हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि कोरोना वायरस एक महामारी के तौर पे तो है ही, लेकिन इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम सब लोग मिलके सजग रहें, जागरूक रहें, जो WHO ने इसके नॉर्म्स बताए हैं, जो इनके प्रति बताई हैं कि क्या क्या चीज़ों से बचना चाहिए, वो सब चीज़ बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो कोरोना वायरस से हम लोगों को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। हमें आवश्यकता है कि हम जागरूकता एक दूसरे को फैलाएं। इसके अंदर आप सब लोगों की भी हमारी जिम्मेदारी है, हमारी भी है, आपकी भी है, सोशल सेक्टर में काम करने वाले लोगों की भी है, सिविल सोसाइटी के लोगों की भी है, NGOs की भी, जो सब लोग जो हमारी सोसाइटी में किसी भी स्तर पे काम कर रहे हैं, उन सब लोगों को मिलके इस लड़ाई से बीमारी की लड़ाई से हमें लड़ना है। अक्रॉस द पार्टी लाइन ऊपर उठ के इन सब चीज़ों के लिए हमें एक राय बना के कोरोना से इस देश को मुक्त रखना है।